हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आज हमारा यूनिट वन का पहला लेक्चर है। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल में आज हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड बाई प्रोसेसिंग फैक्ट्स। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट परफॉर्म्स क्विकली एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग of facts to give information. Before learning about computer, it is good to know about some fundamental terms related to computer field. तो computer की help से, computer एक machine है जिससे कि सारी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही quickly और efficient way में perform होती हैं। जो भी data है, facts है, वो प्रोसेस होके हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो कंप्यूटर को समझने से पहले, बिफोर लर्निंग अबाउट कंप्यूटर, इट इज़ गुड टू नो अबाउट कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं कंप्यूटर के फील्ड में, उसे समझना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आइटम, पर्सन और प्लेस एटसेट्रा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या है। तो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आइटम, पर्सन और प्लेस एटसेट्रा। डेटा क्या है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स किसी भी आइटम के बारे में, पर्सन के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में, एट्सेट्रा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिम्बल्स और फिगर्स। दीज अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिम्बल्स और फिगर आर इन रॉ। रॉ का मतलब रॉ डेटा होते हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, एंड आर नॉट इन डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म। टू कन्वर्ट दैम इन टू यूजफुल फॉर्म, these need some processing. Data is a collection of facts and figures in raw, that is unorganized form, and it is not directly useful form. Data is also termed as input. After processing, data can be converted into directly useful required form or may required further processing. Information kya hai? Information is final result or processed data. जो हमारा डेटा होता है वो एक जैसे रॉ डेटा होता है, जो भी फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, जिसको हम डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। डेटा इज़ आल्सो टर्म्ड एज इनपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा मे बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली यूजफुल रिक्वायर्ड फॉर्म और मे रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन इज़ फाइनल रिजल्ट। इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनल रिजल्ट है, प्रोसेस डेटा उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अब वो रॉ डेटा नहीं रह गया, उसको ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, प्रोसेस किया जा चुका है, तो वो इंफॉर्मेशन बन गया है और वही फाइनल रिजल्ट होता है, या उसको हम कह सकते हैं प्रोसेस डेटा होता है, जिसको कि हम डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रॉ डेटा है, जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज आउटपुट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, देन अब हम आगे देखते हैं। इफ़ वी आर लुकिंग फॉर एवरेज देन 30 इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन। जैसे ऊपर हमें फाइनल रिजल्ट दिया 10 एंड 20 का, 30 तो फाइनल हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फर्दर प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 30 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 15। सो इफ़ वी आर लुकिंग फॉर एवरेज देन 15 इज़ इन्फॉर्मेशन। तो 15 क्या है? इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम कुछ डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। और इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है, इट इज़ इन रॉ और अनऑर्गेनाइज फॉर्म। डेटा जो होता है वो रॉ और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, इट इज़ नॉट इन डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म। जैसा कि हमने अभी मीनिंग में भी डिस्कस किया कि जो डेटा है उस वो डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि वो रॉ होता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? इट इज़ इन डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, इट नीड्स प्रोसेसिंग। और इन्फॉर्मेशन है इसमें है, इट डज़ नॉट नीड एनी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इनपुट। डेटा को हम इनपुट भी कह सकते हैं, कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज आउटपुट। एवरी टास्क परफॉर्म ऑन कंप्यूटर यूजेज IPO, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस
और आउटपुट साइकिल. सो देयर मस्ट बी कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर, प्रोसेस द डेटा एंड डिस्प्ले और प्रिंट द रिजल्ट. तो यही हमने देखा, जैसे इनपुट हुआ, देन उसको इनपुट हमने दिया, देन प्रोसेसिंग हुई उसकी, देन आउटपुट फॉर्म होके आया. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा दैट इज़ इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर को जैसे हम प्रोसेस करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे प्रोसेस करेंगे, वैसे ही वो प्रोसेस करेगा. तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा लेता है. डेटा लेता है मतलब इनपुट हम उसमें एंटर करते हैं, देन वो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ आउटपुट. देन प्रोसेस होके हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करता है. मोर ओवर इट कैन स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर हैज़ थ्री मेजर पार्ट. फर्स्ट है इनपुट यूनिट, और इसको हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस. सेकेंड है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट हैज़ थ्री सब पार्ट, ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट. एंड नेक्स्ट आउटपुट यूनिट, इसको हम कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस. कंप्यूटर को फिर क्लासिफाई किया गया है इनपुट यूनिट, CPU एंड आउटपुट यूनिट में. देन CPU को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है ALU, CU एंड MU. ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, और MU का मतलब मेमोरी यूनिट. अब इनपुट यूनिट हम डिस्कस करते हैं कि इनपुट यूनिट क्या है. टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन कंप्यूटर, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एंटर्ड टू कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस यूज फॉर दिस पर्पज. इट इस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम. इट एक्सेप्ट डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर, कन्वर्ट डेटा टू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट एंड सबमिट इट टू CPU. इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर. बिफोर सबमिटिंग दिस डेटा टू कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस कन्वर्ट दिस इनपुट इंटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म. सम कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, कुछ इनपुट डिवाइस हैं जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़ होता है जिसका, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, OCR, OMR, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. अब आते हैं CPU, देखते हैं CPU क्या है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. एंटर डेटा इज़ नॉट इन डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म एंड रिक्वायर प्रोसेसिंग. CPU परफॉर्म दिस प्रोसेसिंग. इट ऑल्सो कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. CPU इज ऑल्सो टर्म एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU इज डिवाइस दैट परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग वर्क of computer and control all the parts of computer system. तो CPU एक ऐसा डिवाइस है जो कि परफॉर्म करता है जितने भी प्रोसेसिंग हो रहे हैं, प्रोसेसिंग वर्क है कंप्यूटर के, और सारे पार्ट्स को, कंप्यूटर सिस्टम के सारे पार्ट्स को कंट्रोल भी करता है. CPU has three major component, ALU, CU and memory. Arithmetic logical unit देखते हैं क्या है. Arithmetic logical unit perform all arithmetics and logical operation of computer. It consists of many small storage location called registers. These registers are of very small capacity and contain data and instruction that are to be executed next. ALU has two part, arithmetic logic unit and logic unit. Arithmetic logic unit perform all arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. All complex arithmetic expression are performed by repetitive combination of these operation. Logical unit perform all logical operation like comparing, selecting and merging of data. तो ये हमने डिस्कस किया arithmetic logical unit क्या होता है. Next देखते हैं control unit. This unit is also known as heart of computer as it control and coordinate all hardware operation. अब इसके कुछ functions हैं, वो देख लेते हैं. Functions of control unit are, it gives command to transfer data from input device to memory and then from memory to arithmetic logic unit. Next function है, it transfer the result from memory to output unit. And next one है, it takes stored instruction one by one, interprets it and issue appropriate signals to the other unit of computer to execute them.
तो ये हमने देख लिया कंट्रोल यूनिट, जिसको कि हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी और मेन मेमोरी। दिस मेमोरी इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज प्राइमरी मेमोरी और सेंट्रल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद CPU, दैट इज़ इट कंटेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाई CPU। इट इज़ अ वॉलेटाइल, क्वाइट कॉस्टली एंड लिमिटेड स्टोरेज मेमोरी। अब इसमें हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, रैम और रोम में। रैम का मतलब हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। फंक्शंस देख लेते हैं मेन मेमोरी के क्या क्या हैं। इट टेम्परेली होल्ड्स द डेटा रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इट होल्ड द करेंट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बीइंग जनरेटेड। इट होल्ड्स द फाइनल रिजल्ट दैट इज इंफॉर्मेशन एंड रिलीज दैम टू आउटपुट डिवाइस व्हेन रिक्वायर्ड। फिर लास्ट फंक्शन है मेन मेमोरी का, इट होल्ड्स द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन यूज दैट इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आउटपुट यूनिट। पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इनपुट यूनिट डिस्कस किया, उसके बाद हमने CPU डिस्कस किया, CPU के अंदर ALU और कंट्रोल यूनिट डिस्कस किया, देन मेमोरी डिस्कस किया। अब हम आउटपुट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। इनपुट यूनिट दैट इज़ रिजल्ट जनरेटेड बाय CPU इज़ इन बाइनरी फॉर्म। आउटपुट यूनिट गेट्स रिजल्ट फ्रॉम CPU, कन्वर्ट्स देम टू यूज़र एक्सेप्टेबल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले देम टू यूज़र। आउटपुट डिवाइस इज़ अ डिवाइस थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट्स इट्स यूज़र। इट एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। इट कन्वर्ट प्रोसेस डेटा दैट इज़ इंफॉर्मेशन टू यूज़र एक्सेप्टेबल फॉर्म दैट इज टू सम नेचुरल लैंग्वेज। अब कुछ कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस हैं, वो क्या क्या हैं। विजुअली डिस्प्ले यूनिट, वीडियो प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। यहाँ पे इसको डायग्राम के भी फॉर्म में दिया हुआ है। कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, मेन मेमोरी हम इनपुट से मेन मेमोरी को दे रहे हैं, देन आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। टुडे कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट every field of life. It is due to its good quality such as speed, accuracy, diligence, etc. Along with these good qualities, it has also some limitations. तो इसके कुछ good qualities हैं, जैसे कि speed, accuracy, diligence, etc. इसके कुछ क्वालिटीज़ को छोड़ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि नो इंटेलिजेंस, ह्यूमन डिपेंडेंसी एट्सेट्रा। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स एंड लिमिटेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूट। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर, फर्स्ट है स्पीड। कंप्यूटर ऑपरेशन आर कैरिड बाई इलेक्ट्रिकल पल्सेस सो आर वेरी फास्ट। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशन इन जस्ट वन सेकेंड। तो ये स्पीड की बात हो गई, स्पीड इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर हैज़ मैनी बिल्ट इन चेक सर्किट सो जनरली इट डज नॉट मेक मिस्टेक। फॉर एक्यूरेट डेटा एंड एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन इट ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट। तो जब हम एक्यूरेट डेटा, हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए, एक्यूरेट हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमें रिजल्ट भी एक्यूरेट ही मिलेगा। इफ़ डेटा और इंस्ट्रक्शन इज रॉन्ग, अगर हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन गलत दिया है तो आउटपुट भी गलत मिलेगा। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो स्टोरेज। अब स्टोरेज देखते हैं इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर हैज़ इन बिल्ट प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं, जो इन बिल्ट प्राइमरी मेमोरी होता है उसे हम कहते हैं रैम, टू स्टोर द करेंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू अटैच एडिशनल लार्ज मेमोरी कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट फीचर है इसका वर्सिलिटी। वर्सिलिटी देखते हैं, मीन्स द एबिलिटी टू परफॉर्म वराइटी ऑफ टास्क। इसका मतलब कि एक साथ कई टास्क परफॉर्म करना। कंप्यूटर हैज़ दिस क्वालिटी, इट कैन बी स्विच फ्रॉम वन टाइप ऑफ जॉब टू अनदर टाइप ऑफ जॉब विद इन नो मिनट और without any loss of concentration. Next है diligence. Diligence का मतलब क्या है? Diligence means the capability to perform continuously with same efficiency and speed. Computer has this quality, it perform the 100th instruction with the same speed and accuracy it performs the first instruction. ये 100 instruction एक ही speed से same accuracy से perform कर सकता है, जैसा कि उसने first instruction पे किया था। We human have not this characteristics as we get tired and lost concentration after some work.
हम कुछ काम करने के बाद थक जाते हैं और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाता है। ऑटोमेशन नेक्स्ट जो इसका फीचर है, ऑटोमेशन वंस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रोग्राम इज गिवन टू कंप्यूटर इट कैन परफॉर्म द टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम ह्यूमन दैट इज इट बिहेव्स लाइक एन ऑटोमेटिक मशीन। नेक्स्ट है रिड्यूस रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी मीन्स अननेसेसरी रिपीटेशन। कंप्यूटर हैज़ द केपेबिलिटी टू अवॉइड रिडेंडेंसी ड्यू टू कंप्यूटर नेटवर्किंग शेयरिंग इज प्रॉब्लम सो नो नीड टू स्टोर सेम डेटा और इन्फॉर्मेशन एट मैनी लेसेस दिस रिड्यूसेज द रिडेंडेंसी। नेक्स्ट है लो कॉस्ट। कीपिंग द लेवल एंड आउटपुट ऑफ टास्क परफॉर्म बाई कंप्यूट इट्स कॉस्ट इज वेरी लो मोर ओवर दिस कॉस्ट इज डिक्रीजिंग डे बाई डे। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रोग्रामेबल। कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम्ड ड्यू टू दिस इट अपीयर लाइक एन ऑटोमेटिक मशीन। नेक्स्ट है ह्यूमन डिपेंडेंस नॉट इंटेलिजेंस। एक फीचर और रह गया प्रोग्रामेबल। कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम्ड ड्यू टू दिस इट अपीयर लाइक एन ऑटोमेटिक मशीन। ये हो गया था नॉट इंटेलिजेंट। कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस एंड कैन नॉट परफॉर्म इवन अ स्मॉल टास्क अनलेस इट इज़ इंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली। वो एक छोटा सा भी टास्क सेल्फ नहीं कर सकता कंप्यूटर जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन ना प्रोवाइड करें, इनपुट ना एंटर करें। मोर ओवर इट कैन परफॉर्म द टास्क ओनली इन द वे इट वॉज जैसे हम उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही वो परफॉर्म होगा एंड कैन नॉट चेंज एडजस्ट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन डिपेंडेंसी। कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म एनी टास्क इट सेल्फ इट इज़ डिपेंडेंट एज इट नीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन बींग टू परफॉर्म अ टास्क। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन सेट। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क ओनली वेन इट गिव अ प्रिसाइज एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म दैट टास्क। एनी कन्फ्यूजिंग और डबल मीनिंग इंस्ट्रक्शन विल कन्फ्यूज कंप्यूटर एंड मे रिजल्ट टू रॉन्ग आउटपुट। अगर ज़रा सा भी एक वर्ड का अगर दो मीनिंग निकल रहा है तो उससे कंप्यूटर कन्फ्यूज हो सकता है और रॉन्ग आउटपुट भी निकल सकता है। नेक्स्ट है नो फीलिंग। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नो फीलिंग। कंप्यूटर हैज़ मेमोरी एंड कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन बट इट हैज़ नो फीलिंग सो इट कैन नॉट टेक सर्टेन डिसीजन विच वी टेक ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग एंड टेस्ट। नेक्स्ट है नो ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है ह्यूरिस्टिक मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। हम पास्ट एक्सपीरियंस से अपनी पास्ट गलतियाँ से एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कंप्यूटर हैज़ नो ह्यूरिस्टिक्स इफ़ इट हैज़ कमिटेड एन एरर इन पास्ट इट विल कमिट द सेम इन फ्यूचर इफ सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू इट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें है एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सलिटी, रिड्यूस रिडेंडेंसी, लो कॉस्ट, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन सेट, ह्यूमन डिपेंडेंसी, नो फीलिंग, प्रोग्रामेबल, ऑटोमेशन, डिलीजेंस और स्पीड। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वेरियस पार्ट्स एंड पर्सनल required to work with computer as known as element of computer system. Computer system includes 5 major elements जिसमें कि hardware, software, user, data and connectivity. ये सब आ जाएंगे। hardware में आ जाएगा क्या क्या हमारा physical components such as CPU, keyboard, video, etc. of computer are known as, इसे हम क्या कहते हैं hardware. These are tangible, that is जिसको हम देख सकते हैं, touch कर सकते हैं, we can see and touch them. These can be broadly classified into 4 major categories जिसमें आ जाएगा input device, output device, processing device और storage device. इसके बाद next है software. इसके अंदर भी दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट लाइवेयर, इसको हम पर्सन भी कहते हैं, इसको भी सब पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, एंड यूज़र। नेक्स्ट है डेटा एंड नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हार्डवेयर हमने डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच
User communicate with the computer. It acts as a translator between the user and the computer. It converts the given data into the computer acceptable form. कुछ examples इसके जैसे keyboard, mouse, light pen, joystick, scanner ये सब हो जाएंगे. Next है output device. Output device क्या है? Output device is a device through which computer communicates with user. It act as a translator between the computer and the user. It convert the process data that is information into user acceptable form. Some commonly used output device जैसे कि video, printer and speaker. Processing device में हो जाएगा. Processing devices are devices that perform various calculation, manipulation, controlling activities. Some common used processing device क्या क्या हो जाएंगे जैसे कि CPU and read only memory. फिर है storage device. Secondary storage device is a device used to store data, instruction, program. That is program and information. The stored data, instruction and program can be recalled whenever required. अगर हमने कोई भी चीज़ स्टोर करके रखी है तो जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे रिकॉल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे. जैसे कि एग्जांपल हो जाएंगे हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ड्राइव एट्सेट्रा. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डेट गवर्न्स द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर. डेट इज़ टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, हाउ टू डू. सॉफ्टवेयर कैन डिवाइडेड ब्रॉडली, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ. सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक और जनरल एप्लीकेशन टू मीट द नीड ऑफ यूज़र. और इसको हम एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं और प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम भी कहते हैं और सिंपली एप्लीकेशन भी कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे MS Word, MS Excel, Tally, एटसेट्रा. नेक्स्ट है पर्सन, जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं. लाइब्रेरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. पर्सन वर्किंग विद कंप्यूटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स और एंड यूजर्स. और नेक्स्ट है डेटा. डेटा क्या है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. प्रोग्राम आर यूज टू प्रोसेस दिस डेटा इनटू यूजफुल फॉर्म. और जो लास्ट इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो क्या है देख लेते हैं. कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी हैज़ बिकम द लेटेस्ट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. नाउअडे मोस्ट कंप्यूटर आर इन वन और अनदर नेटवर्क. इट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइल्स एंड अदर फैसिलिटीज. कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू नेटवर्क वायर लैन केबल्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, सेटेलाइट एट्सेट्रा. तो आज के हमारे लेक्चर में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.